ना, सबसे पहले आपने इसको जी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन के जो कोफिशेंट हैं वो है 2, 1, -5। इसको रिपीट कर देना है 2, 1, -5। देन आपने सेकेंड लाइन के कोफिशेंट लिखने हैं 1, 2, -4। इसको अगेन रिपीट कर देना है। फर्स्ट लाइन रिमूव एंड लास्ट लाइन रिमूव। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट Δ1 इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट 2 निकाल, अब डिटर्मिनेंट निकाल, ये जो है x की वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, Δ1 अपॉन Δ होगी, Δ2 अपॉन Δ।